तो गाइस इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बाजू में नोटिफिकेशन आइकन उसको ऑन कर दीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर वो आपके ऊपर। तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कुछ बढ़िया चल रहा होगा, चल ही रहा होगा वैसे तो जिस हिसाब से चल रहा है इस बारिश के मौसम में। तो मैं जैसे आप सभी का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल टाइटन गेमिंग में, जहाँ पर हम आज लैंड करने वाले हैं जॉर्जो पूल एक डुओ वर्सेस स्क्वाड की गेम में। तो बेसिकली इस गेम में मैं डेटा पर खेल रहता हूँ, मोबाइल डेटा पर, सिम मेरा है एयरटेल। अभी एयरटेल जो सो कॉल्ड बोलते हैं ना फास्टेस्ट नेटवर्क, इंडिया में फास्टेस्ट नेटवर्क है, हर जगह इसका नेट है, ऐसा वैसा रेंज वगैरह। रेंज फुल होने के बाद भी एयरटेल किस हिसाब से परफॉर्म करता है भाई, तुमको तो इस गेम में दिख जाएगा। मेरा जो कि दिमाग ख़राब हो गया इस गेम के अंदर, मैं आपको क्या बताऊँ। ये गेम अभी जस्ट खेल के आ रहा हूँ, तो मैं कि यार अभी अभी वीडियो बना देता हूँ, जितना मैं गुस्सा सब निकल जाएगा। एनीवेज वो तो आपको दिख ही जाएगा कि भाई एयरटेल कैसा चलता है, उसकी स्पीड कैसी है, कैसा परफॉर्मेंस देता है। एनीवेज यहाँ पर लैंडिंग ही मेरी गलत हो जाती है, मैं नीचे गिर जाता हूँ। तो कोई नहीं, मैं ऊपर वापस चले जाके ऊपर गन ढूंढने लगता हूँ, क्योंकि यार जॉर्जो पुल में बिना गन के आप क्या करोगे। तो सबसे पहले तो मैं गन ढूंढना चालू करता हूँ। गन के नाम पर सबसे पहले तो मेरे को शॉर्ट गन मिल जाती है, मैंने ठीक है यार कुछ तो कुछ ना सही तो कुछ सही। आगे मेरे को एक वेक्टर मिल जाती है, पहले तो मैं वो ले लेता हूँ। यहाँ पे एक मिनी है, फिलहाल तो यार 140 120 पिंग पर चल रहा था यार, उतना तो ठीक है, चलो नॉर्मल है, उतना तो कभी कभी होता रहता है फ्लक्चुएट, ठीक है। पर थोड़ा ब्राइटनेस एडजस्ट करके मैं निकल लेता हूँ वेयरहाउस की तरफ, क्योंकि मेरे को वहाँ से थोड़ी बहुत आवाज़ आती है फायरिंग की, तो मैं वहाँ पर निकल जाता हूँ। यहाँ पे कार 98 है, तो बोलता है कि यार अभी तो कार 90 की ज़रूरत है नहीं, तो मार कर रखा कि मैं निकल जाता हूँ, मतलब बाद में ले लेंगे। अब यहाँ पे फायरिंग हो रही रहती है, मैं थोड़ा पीक लेके बैठ रहा था, यहाँ पे एक बंदा आ जाता है उतने में ही, बोलता है कि चलो यार इसका गेम बजा देते हैं। ये गया पहला नॉक, ये उसका दूसरा दोस्त, उसी के स्क्वाड का होगा प्रोबेबली। अब बेचारा इतना था, इतना गरीब होता, मतलब क्या बोलूँ, मतलब इतना गरीब था यार, कुछ ही नहीं था, मतलब नंगा दौड़ रहा था। ये देखिए अब मेरे सामने अभी जॉर्जो पुल से निकलने की कोशिश करेगा, तो क्या करेगा भाई। अब बंदा का दिमाग में आया था भाई ये बंदा तो छोड़ेगा नहीं, पर मैं फायर नहीं कर रहा था, उसके दिल में एक बार आया कि भाई यार बंदा शायद हमको छोड़ दे, कृपा कर दे, बट नहीं यार हम किसी पर कृपा नहीं करते। मेरे को लगता है कि यार एक और बंदा ज़रूर होएगा, क्योंकि वो निकल रहा था उस तरफ, तो मेरे को लगा कोई रिवाइव देने वाला होगा तभी निकल रहा होगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ा बूस्टर लगा के मैं सोचता हूँ यार एक काम करता हूँ, पुश मार लेता हूँ, होएगा तो भी अपन थोड़ा संभाल लेंगे, अपना वेक्टर तो है ही, स्मॉल रेंज के लिए अच्छी गन है, तो मैं निकल जाता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई, ये देखिए पिंग देखिए आप 944, मतलब गेम तो एकदम बावरा ही हो जाता है, खुद ही देख लीजिए। ये देखिए ये एकदम ज़बरदस्त गेम चल रहा है यार, वेल डन एयरटेल, सबसे फास्टेस्ट नेटवर्क है भाई तुम्हारा। एनीवेज वहाँ पर मैं थोड़ा लूट वूट करके वहाँ से निकल जाता हूँ, मेरा भाई बोलता है कि मैं उसके पास थोड़े बंदे, तो मैं उसके पास निकल जाता हूँ मारने के लिए। हालांकि मेरे पास हेलमेट नहीं होता जो कि एसेंशियल थिंग है, बट यहाँ पर आए तक मेरी ज़रूरत पड़ती नहीं है, वो खुद ही मारा जाता है। तो उसके पास मेरे को M4 मिल जाती है, तो मैं M4 उठा लेता हूँ और मिनी गिरा देता हूँ बेसिकली ऐसा सेट के, मेरे को फिलहाल एयर की ज़रूरत है, कंटिन्यूस फायर करने वाली गन की ज़रूरत है, तो मैं बेसिकली मिनी गिरा देता हूँ और अननेसेसरी चीज़ें गिरा के वहाँ से निकल जाता हूँ। सो कॉल्ड फास्टेस्ट, मतलब यार दिमाग ख़राब हो जाता है यार, मतलब आप उतरते हो रश खेलने के हिसाब से यार। देखिए कंटिन्यू पिंग 440 अभी भी है, फ्लक्चुएट होता रहता है बार बार, हालांकि ऐसा हर बार नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे ही होता है। अभी कैसा है अब हाँ मैं तुमको ये भी बताता हूँ कि यार मेरा दिन का जो है 2 GB डेटा आता है, और 1 GB जैसे ही ख़त्म हो जाता है इनका ऐसे ही चालू हो जाता है हमेशा का है। अभी यहाँ पे मेरे को फायरिंग का ऊपर से फायरिंग पड़ती रहती है, मेरे को समझ आता है कि यार बंदा ऊपर ही कहीं ना कहीं छुपा होगा टावर पर, तो मैं पीक लेके देखने लगता हूँ, उतने में मेरे को बंदा दिख जाता है उस तरफ बैठा होता है, देखिए आपको टकला दिख रहा होगा उसका, तो मैं जैसे ही पीक लेता हूँ मेरा वो खोपड़ी उड़ा देता है, वो एकदम पीक लेके बैठा था। अपने भाई का लेता हूँ कि भाई बचा ले मुझे, पहले आके रिवाइव दे दे, तो फिर वो बिना कुछ सोचे पहले तो आके रिवाइव दे देता है, क्योंकि डुओ और से स्क्वाड खेल रहे हैं, अगर एक भी डाउन होगा तो फिर मुश्किल होगी, तो इसलिए सबसे बेटर ये होगा कि आप आके रिवाइव दे दो, जो भी काम कर रहे हो उसको छोड़ दो फिलहाल के लिए।
यहाँ पे आने के बाद नोमान को भी शॉट्स लगते रहते हैं, बट वो कैसे ना कैसे बजे निकल के आ जाता है। अब गा पे आप नीचे इतने तो इस दौरान में तो इतना तो मैं समझ गया था कि यार भाई बंदे की स्नाइपिंग बहुत ही थर्ड क्लास है। हाँ बीच में मेरे को, अब मेरे को तो हाइट शॉट दे देता क्योंकि वो पिक लेके ही बैठा था, एम लेके बैठा था कि भाई मार देगा, बट मैं तो इतना समझ गया कि भाई बंदे की एमिंग बहुत बकवास है। तो अंदर मैंने अंदर सोचा हो। यार पहले तो मैं उठ के पहले तो हेल्थ ले लेता हूँ, उसके बाद में इसको बताता हूँ किसने किससे पंगा लिया। 828, 748, यार दिमाग ही खराब कर दिया है रेटल ने आज। एनीवेज यहाँ से निकल जाता हूँ मैं, यहाँ से निकल कर बिंदास में लुटता रहता हूँ, मेरे को स्नाइपर का कोई डर नहीं रहता, हालांकि वो शॉट्स देते रहता है। ये देखिए यार ये पिंग है यार, क्या बोलूँ, फिर नीचे गिर गया। एनीवेज थोड़ी डेयरिंग बढ़ जाती है मेरी, दिमाग मेरा ऑलरेडी ख़राब ही रहता है उस गेम में, तो बोलता कि यार मैं तो ऊपर ही लूटूंगा अभी बिंदास, क्योंकि स्नाइपर वाले की एमिंग इतनी थर्ड क्लास रहती है, वो शॉट्स पर शॉट्स देता है पर मेरे को एक शॉट नहीं लगती है, मतलब कान के बाजू से भी नहीं जाती है ऐसे, इतने मतलब एक बेकार शॉट्स मार रहा होता है। एनीवेज तो यहाँ पे मैं लूट वूट करता रहता हूँ, एक्चुअली मैं एक अच्छी खन की ढूंढा था, एक स्कोप का स्कोप ढूंढा था कहाँ मेरे पे को, हो अगर जेन तीन का भाई? स्कोप भी मिल जाता तो अच्छा हो जाता, इतने मेरे को यूएमपी मिलती है। अब यहाँ पे भी शॉट दे रहा होता है पर उसका एक भी शॉट मुझे लगता नहीं है, तो बोलता कि यार ठीक है चलो यार स्कोप तो मिल नहीं रहा तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, उसको घुस के मार देंगे, तो वेक्टर फेंक के मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। उतने में मेरे को 3x मिल जाता, बोलता है अभी 3x मिल गया तो अभी, अब तो इसका बैंड बजना कुछ कम कहाँ कन्फर्म से है। भी बड़ा वाला। एक होलो निकाल के फेंक कर 3x लगा कर अब मैं उसकी मौत की प्लानिंग करता हूँ। प्लानिंग से ज़्यादा देर चलती नहीं क्योंकि यार इजी था, मुझे पता था बंदा किधर है, अब बस उसको टाइमिंग लेके मारना था। अब वो भी पीक लेके बैठा था तो मैं सोचा कि इसको फटफट खत्म कर देते हैं, अब वो नॉक हो जाता है। अब इसको मेरे को लगता है कि इसके टीममेट वगैरह भी होगी क्योंकि वहाँ पे एक गाड़ी आई हुई होती है। अब एक बीच में को बंदा दिखा था उसका बट अभी उनको पिक नहीं करा था, तो मैं सोचा कि एक काम करता हूँ लेफ्ट फ्लैंक करके उसको मारता हूँ मैं, क्योंकि तो मैं लेफ्ट फ्लैंक करके उसको मार देता हूँ क्योंकि अभी उसको जो बंदे को मैंने नॉक किया उसको रिवाइव होना मुश्किल था, वो गिर के मर गया। क्या नाम है उसका, उसे अश्ल कलम, ओके पढ़ने मिला नहीं। एनीवे सो उसको मारने के बाद मैं लेफ्ट फ्लैंक कर लेता हूँ क्योंकि एक बंदा यहाँ पे मौजूद होता है जो कि गाड़ी से आया हुआ होता है, आ जाए यहाँ तो पे यहाँ पर अभी मैं तो कुछ नहीं करने वाला यहाँ पे, यहाँ पे जो भी करेगा अभी सब एयरटेल करेगा, मतलब थोड़ी देर और इंतजार कर दीजिए। इधर में एक बॉट दिख जाता है, बोला कि यार ठीक है यार बॉट बॉट अगर बॉट है भाई एम टू किल है फोर तो पड़ी किल यहाँ है, पे तो हम बॉट को मार देते हैं 900 पिंग पर। जाए 900 यहाँ पिंग पे पर एम टू मारने फोर के बाद पड़ी अभी मैं कुछ नहीं करने वाला, अभी आगे जो भी होगा सब एयरटेल करेगा, एंजॉय। तो ऐसा लग रहा था यार कौन सा सस्ता नशा करके आया मेरे इस प्लेयर ने, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, तब खड़ा है पीछे जा रहा किधर है यार, फैंटास्टिक यार, अगर दिमाग ही खराब हो जाता है ना, मतलब आप आते हो यार गेम खेलने के लिए एकदम रश खेलने के लिए, सबसे आता हूँ ऐसा भी नहीं कि मैं सेफ खेल रहा था, बट रेटिंग्स गिर जाती है वो अलग। मेरा भाई भी सेम एयरटेल के नेटवर्क।